नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी। आज हमारी जो कक्षा है, कक्षा तृतीय है, उसकी पाठ संख्या 5 है हमारा ज्ञान मार्ग। आज हम इसको करेंगे। जो ज्ञान मार्ग है ये किसकी कहानी है, इसमें किस किस पात्र को लिया गया है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे इस कहानी में जो पात्र हैं वो पात्र कौन कौन हैं? हमारी कहानी में पात्र है पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, गुरुजी गुरुजी के बाद है हमारे यहाँ पे गुरुजी, शेर और बकरी। अब इस कहानी को समझिए। ये जो हमारे पात्र हैं, हमने देखो क्या क्या पात्र लिखे हैं। पुरातन, एक नाम आया हमारे पास पुरातन। दूसरा अभिनव, तीसरा संस्कार, एक गुरुजी, शेर और बकरी। इन सबको, इन सब नामों को देखकर आपके मन में क्या विचार आया कि क्या ऐसी कहानी हो सकती है जिसमें शेर भी है, बकरी भी है? या तो हमारे दिमाग में आता है कि वो कोई शेर या बकरी की कहानी होगी, या फिर हमारे दिमाग में कुछ और चलता है कि ये ऐसा क्या है इस कहानी में। पर ये कहानी है, ये हमारी थोड़ी अलग है। एक गुरुजी है और गुरुजी के तीन शिष्य हैं। तीन शिष्य कौन कौन से हैं हमारे? शिष्य कौन कौन है? पुरातन, अभिनव और संस्कार। ये गुरुजी के, जो ये गुरुजी हैं, इनके तीन शिष्य हैं पुरातन, अभिनव और संस्कार। अब क्या होता है, तीनों विद्या सीखकर गुरुजी से और वापस आते हैं। और क्या होता है, आपस में ही ये जब गुरुकुल से जब वापस आते हैं तभी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वो अभिनव कहता है मैं विद्वान हूँ, पुरातन कहता है मैं विद्वान हूँ, मुझे विद्या ज़्यादा आती है, और संस्कार कहता है कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ। और तीनों में इसी बात पर क्या होता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तीनों में इसी बात पर बहस होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि पुरातन कहता है कि हम तीनों को, हम जो सीख कर आए हैं हम उस पर गर्व करते हैं, तो चलो ये देखते हैं कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये देखते हैं कि किसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे आप लोग भी कई बार क्लास में कहते हैं नहीं मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, नहीं ये चीज़ मुझे ज़्यादा आती है, मैम ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये तीनों भी क्या करते हैं, इन तीनों में भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अभिनव कहता है कि ये बात सही है कि हम तीनों हैं, हम तीनों विद्या सीख कर आए हैं। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको विद्या सीखने का मौका मिलता है, जिनको शिक्षा पाने का मौका मिलता है। आप लोगों को भी पता है, आप में से ऐसे अब आज के टाइम में तो कम ही बच्चे मिलते हैं, फिर भी कुछ होते हैं जो जिनके माता पिता कहीं पर काम कर रहे होते हैं, वो इतनी उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए या स्कूल भेज सके। तो वो कहते हैं, जो अभिनव है वो कहता है कि ये सही बात है कि हम वास्तव में ही बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। उसके बाद जो ये संस्कार है ये कहता है, पर ये ज्ञान सबका बराबर नहीं होता है। अभिनव कहता है हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें यह मौका मिला है और हम सौभाग्यशाली हैं। और पुरातन ये कहता है कि हम सब गर्व महसूस कर सकते हैं इस बात पर कि हमने विद्या ग्रहण की है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है। इसी वजह से देखो ज्ञान मार्ग, इस ज्ञान मार्ग हमारा जो शीर्षक है इसका मतलब क्या होता है वो आज हम कहानी के अंत में अच्छे से जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है इस ज्ञान मार्ग का।
अब वो कहते हैं कि ठीक है, तीनों चल देते हैं। अब चलते चलते क्या होता है, पुरातन कहते हैं, संस्कार कहता है कि मेरा ज्ञान है वो तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। पुरातन ये बात कहता है कि मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। ये पुरातन इन दोनों को बोलता है कि मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। अभिनव कहता है कि मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था। जो ये अभिनव है ये कहता है कि जब हम गुरुकुल आए थे मैं तो उससे पहले भी अपने घर पे पढ़ता था, तो मेरा ज्ञान ज्यादा है तुम दोनों के ज्ञान से। ये अपने आप को श्रेष्ठ बताता है अभिनव। ये कहता है कि तुम दोनों के ज्ञान से मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं घर पर भी पढ़ता था, गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, उसके बाद फिर संस्कार कहता है कि चलो तो अगर यही बात है, हम सब ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा पढ़ता हूं, मैं ज्यादा होशियार हूं, तो इस चीज की परीक्षा ली जाए। वो कहते हैं चलो परीक्षा करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे आप लोग भी कई बार कहते हो, कोई बात करते करते आप लोगों में अगर कभी झगड़ा हो जाता है तो आप करते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा है। तो वही चीज इन तीनों में भी हो जाती है। और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों शुरू कर देते हैं टेस्ट करना एक दूसरे को। तो अभिनव अपने ज्ञान का, जो संस्कार है वो अभिनव को अपने ज्ञान का परिचय देता है। अपने ज्ञान के बारे में बताते हुए कहता है कि ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं दिया जाता। जो अभिनव है ये कहता है कि ज्ञान का परिचय जो ज्ञानी इंसान होता है, जिसको ज्ञान होता है, उस चीज के बारे में पता होता है, उसको दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। ये संस्कार और पुरातन को मूर्ख कह देता है। किसको मूर्ख बोल देता है, पुरातन और संस्कार को। किसको मूर्ख बोल देता है, ये पुरातन और संस्कार को मूर्ख बोल देता है। दोनों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है कि इस जो अभिनव है उसने क्या किया, मुझे और पुरातन और संस्कार को मूर्ख बोल दिया है। संस्कार कहता है कि ये कहकर आप हमारा अपमान कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो ज्ञानी इंसान होते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। वो कहता है ठीक है, वो कहता है पुरातन अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। अब वो पुरातन को क्या करता है, चैलेंज करता है। और पुरातन को कहता है, जो ये पुरातन है इसको कहता है कि तुम अपने ज्ञान का परिचय दो, अपने ज्ञान का प्रमाण दो, अपने ज्ञान को दिखाओ कि तुम कैसे बुद्धिमान हो, तुम कैसे ज्ञानी हो। तो वो क्या करता है, पुरातन कहता है ठीक है मैं देता हूं अपने ज्ञान का परिचय। अभिनव कहता है, वो तीनों जहां पर खड़े होते हैं वहां पर क्या होता है, एक जंगल होता है और वहां पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई होती है। ये हड्डियां मेरी ऐसी ही बनी है बेटा, ड्रॉइंग थोड़ी वीक है मेरी, आप समझ जाना। यहां पर कुछ हड्डियां गिरी हुई होती है और वो हड्डियों को देखकर बताता है कि जो ये हड्डियां गिरी हुई है, यहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। जंगल है तो जंगल में क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, पेड़ होंगे हमारे। और यहीं पर क्या गिरी हुई होती है, हड्डियां। आपकी बुक है उसमें चित्र में दिखाया हुआ भी है कि वहां पर क्या गिरी हुई होती है, हड्डियां गिरी हुई होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं इन हड्डियों को देखकर बता सकता हूं कि ये हड्डियां किसकी है, ये हड्डियां शेर की है। कौन कहता है ये बात, अभिनव कहता है। अब अभिनव कहने के बाद संस्कार कहता है तुम तो ये सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये हड्डियां शेर की है, मैं तो इन हड्डियों के ऊपर खाल और रक्त का भी संचार कर सकता हूँ, मांस भी इनके ऊपर चढ़ा सकता हूँ अपने मीन्स शिक्षा का प्रयोग करके। वो कहता है अच्छा। अब संस्कार, अभिनव तो सिर्फ ये अभिनव है, ये तो हड्डियों को ही पहचान रहा है। अभिनव ने क्या किया, हड्डियों को पहचाना है
और संस्कार क्या कहता है, मैं तो इनके ऊपर मांस भी चढ़ा सकता हूं, मैं तो इनके ऊपर मांस, खून का संचार और खाल वगैरह भी कर लगा सकता हूं हड्डियों के ऊपर। वो कहता है अच्छा। तो फिर तीनों में बहस हो जाती है और जो संस्कार है वो मांस, खून और खाल चढ़ाना शुरू कर देता है उन हड्डियों के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, पुरातन क्या कहता है, थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं और वो देखते हैं कि उसने उन हड्डियों के ऊपर क्या कर दिया है, मांस वगैरह चढ़ा दिया है, खून का संचार कर दिया है। अब पुरातन कहते हैं कि आपने तो ये काम कर दिया है, दोनों ने, इसने हड्डियों के बारे में बता दिया, इसने संस्कार ने खाल चढ़ा दिया, पुरातन बचा हुआ था। अब पुरातन कहते हैं कि तुम लोगों ने तो इतना ही किया है, मैं तो इसको जीवित भी कर सकता हूं। तभी वो कहते हैं कि संस्कार कहते हैं तुम इसको जीवित मत करो वरना ये हमें ही खा जाएगा। जो संस्कार है वो कहता है कि तुम इसको जीवित मत करो वरना ये हमें ही खा जाएगा, क्योंकि अगर शेर जिंदा हो गया तो सबसे पहले उन लोगों को ही खाएगा, शेर को खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो क्या कहता है, पुरातन नहीं मानता है, पुरातन कहता है नहीं, मैं तो अपनी विद्या का प्रमाण दूंगा, तुम लोगों ने भी तो अपनी विद्या का प्रमाण दिया है, मैं भी अपनी बात को साबित करूंगा, तुम लोगों ने भी तो अपनी बात को साबित किया है। पुरातन नहीं मानता है और पुरातन क्या करता है, उस शेर के अंदर जीवन का संचार कर देता है, उसमें सांसें ला देता है, उसको जीवित कर देता है। वो दोनों खूब रोकते हैं, उसको नहीं मानता है, पर पुरातन क्या कर देता है, उस शेर को जीवित कर देता है। जैसे ही शेर जीवित होता है, शेर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। वो तीनों कहते हैं अब तो हम नहीं बचेंगे, अब तो क्या होगा, ये शेर हमें पक्का खा जाएगा। वो कहते हैं कि अब तो हम बच ही नहीं सकते क्योंकि शेर पीछे दौड़ रहा है, हम कितनी दूर भागेंगे। तभी उनको उनके गुरुजी दिखते हैं, जो ये जंगल है इसी में उनके गुरुजी आ रहे होते हैं, और उनको उनके गुरुजी दिखते हैं। जब ये तीनों दौड़ रहे होते हैं तब आते हैं गुरुजी, जंगल में इनको गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी को देखकर खुश हो जाते हैं और गुरुजी को बात बताते हैं। गुरुजी कहता है कि मुझे पता था, मैं तुम लोगों को देखते ही समझ गया था, जब तुम यहाँ से गए थे मैं तुम्हारी बातों को तभी समझ गया था कि तुम घमंड कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल दिया था। और वो मंत्र से गुरुजी क्या करते हैं, उस शेर को, जो ये शेर था, इस शेर को बकरी बना देता है। वो ऐसा मंत्र का उच्चारण करता है कि वो शेर बकरी बन जाता है और मिम्याने लग जाता है, मिम्याने मैं मैं, जैसे बकरी आवाज करती है मैं की, वो ऐसे आवाज करने लग जाता है। तो फिर गुरुजी उनको फिर बिठाते हैं और समझाते हैं कि ज्ञान वो नहीं होता जो दूसरों का बुरा करे, ज्ञान वो होता है जिससे दूसरों का भला हो। तुमने जो किया वो तो एक दूसरे के, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए तुमने तो अपने ही प्राण दाव पे लगा दिए, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ, ये तो कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, इसमें तो तुम सभी अज्ञानी हो गए। उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और समझते हैं कि ज्ञान वो होता है जिससे दूसरों का भला हो, किसी की हानि ना हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, एक बार अच्छे से पढ़ना आप और इसके जो शब्द है उनका अभ्यास करना। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ ये कहानी। कहानी में हमारे पांच पात्र होते हैं, छह, पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी। तीनों विद्या ग्रहण करके गुरुकुल से आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही तीनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संस्कार कहता है कि मैं अधिक ज्ञानी हूँ, अभिनव कहता है मैं अधिक ज्ञानी हूँ और पुरातन कहता है मैं अधिक ज्ञानी हूँ। तीनों में इसी बात पर बहस छिड़ जाती है और तीनों कहते हैं कि चलो जिसके अंदर जितना ज्ञान है वो दिखाते हैं। झगड़ते झगड़ते तीनों एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर कुछ हड्डियां गिरी हुई होती है और हड्डियों को देखकर वो कहते हैं कि चलो बताओ ये हड्डियां किसकी है। तो जो अभिनव है वो कहता है कि ये हड्डियां किसकी है, ये हड्डियां शेर की है, मैं इन हड्डियों को देखकर ही बता सकते हूँ कि ये हड्डियां शेर की है।
संस्कार कहता है कि मैं इनके अंदर खून का संचार कर सकता हूँ, इसके ऊपर खाल लगा सकता हूँ और मांस इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ। पुरातन कहता है और मैं इसके अंदर सांसें डाल सकता हूँ। तीनों कर देते हैं। अभिनव और संस्कार पुरातन को रोकते हैं कि ऐसा मत करो वरना ये हमें ही खा जाएगा। वो कहते हैं नहीं, तुम दोनों ने भी तो अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया है तो मैं भी करूँगा, मैं भी दूंगा। वो नहीं मानता है और उसमें सांसें डाल देता है। शेर जीवित हो जाता है और उन तीनों के पीछे ही दौड़ना शुरू कर देता है खाने के लिए। जब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और शेर इनके पीछे पीछे भाग रहा होता है, तभी गुरुजी इनको रास्ते में मिलते हैं और ये गुरुजी को बात बताते हैं। तो गुरुजी कहता है मैं तो तुम लोगों को देखकर पहले ही समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि तुम घमंड कर रहे थे अपनी विद्या पर। और विद्या के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वो नहीं होता जिससे दूसरों की हानि हो, जिससे दूसरों का नुकसान हो। ज्ञान वो होता है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए, वो ज्ञान होता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी ज्ञान मार्ग।